आपके चैनल के द्वारा हम ये कहना चाहते हैं कि मंत्री जी प्लीज हमें 2 मिनट का वक्त दीजिए हमारी बात रखने के लिए। नीति आयोग बोल रहा है, प्रकाश जावड़ेकर जी बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है, लेकिन आज हमारे को देने के लिए उनके पास 5 मिनट का टाइम नहीं है। आज हमारी ये कंडीशन है कि हम लोग IIT NIT से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD करने के बाद भी हम यहाँ बैठे हैं, तो इससे बुरा और क्या होगा देश के लिए। अभी तक बस आश्वासन अंदर से मिल रहा है कि हाँ आप लोग का हो गया है काम, लेकिन अभी तक कुछ रिटर्न में आया नहीं है। हम आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने शिक्षा मिनिस्टर से कि वो हमसे मिले, हमें 5 मिनट का वक्त दें। हम सिर्फ इसी आस में बैठे हुए हैं यहाँ पे कि वो हमें मिलेंगे और हमें एक्सटेंशन लेटर देंगे, हम इसीलिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और मैम ने जो कहा हम भी इसी चीज़ों से एग्री करते हैं, हम लोग कब से वेट करें, वो अपना कीमती वक्त से हमें 5 मिनट दे, तब से नहीं हो पा रहा है। वो कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकाले ताकि हमें इस वक्त दोबारा ना देखना पड़े। उनकी बेटियों की तरह हम भी हाईली क्वालिफाइड बेटियां हैं जो पिछले कई दिनों से यहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। आपके चैनल के द्वारा हम ये कहना चाहते हैं कि मंत्री जी प्लीज़ हमें 2 मिनट का वक्त दीजिए हमारी बात रखने के लिए। हम पिछले बहुत दिनों से यहाँ पे हैं, मैं अपने 2 साल के बच्चे को छोड़ के यहाँ पे बैठी हुई हूँ ताकि मुझे इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकला जाए। हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम क्या होगा आगे, मैम आप कब पढ़ाने आओगे, लेकिन मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रही हूँ। मेरी मंत्री जी से दरख्वास्त है, प्लीज़ हमारी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म कीजिए। और ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, उन लाखों स्टूडेंट्स की है जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें हमसे फ़ायदा मिल रहा है। हम उनको गेट की प्रिपरेशन कराते थे, लैब्स हमने इस्टेब्लिश की है, उनकी मशीनरी सिर्फ हम लोग चला सकते हैं क्योंकि जो रेगुलर फैकल्टीज़ है, जो वहाँ का स्टाफ है, वो इतना वो चलाने के लिए काबिल नहीं है क्योंकि इस्टेब्लिश हमारे द्वारा हुई है और इतना कम स्टाफ है कि अगर वो कोशिश भी करेंगे तो वो लेक्चर्स के साथ साथ लैब लेना उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। जैसे हमारे कॉलेज की बात करें, बहुत सारे कॉलेजेस की बात करें, रेगुलर फैकल्टीज इतनी कम हैं, वहाँ का स्टाफ इतना कम है कि बच्चों को अच्छे से शिक्षा वो नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। और इस सिचुएशन में जहाँ नेशनल एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन नया है, अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, इस क्रिटिकल टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि TQU फैकल्टीज़ इस इम्प्लीमेंटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान साबित होगी अगर वो हमें रिटेंशन देते हैं तो। हमारे देश में ये नारा चलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है। आज हमारी ये कंडीशन है कि हम लोग IIT NIT से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD करने के बाद भी हम यहाँ बैठे हैं, तो इससे बुरा और क्या होगा देश के लिए। हम चाहते हैं कि हम बेटियों को, हम लोगों ने पढ़ा है तो हमें इसका फल भी मिलना चाहिए, हमारे बारे में सोचा जाए मंत्री जी द्वारा, हमें एटलीस्ट 2 मिनट का टाइम दिया जाए कि हम हमारी बात रख सकें उन लोगों से। हम यहाँ पर पिछले कई दिनों से बैठे हैं, हम बस हमारी बात कहना चाहते हैं, हम बस ये चाहते हैं कि जो हमने 3 सालों में मेहनत की है और स्टूडेंट्स की लाइफ बेटर की है, वो हम आगे भी करते रहे। हम बस यही चाहते हैं कि जिस तरीके से स्टूडेंट ने भी हमें रिस्पॉन्ड किया है, वी आर वेरी हैप्पी, और इसी तरह से हम आगे भी सर्व करते रहे, हम कंटिन्यू करना चाहते हैं विद दिस जॉब। फॉर दैट ओनली वी वांट आवर रेगुलराइजेशन। और इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ बैठे हैं और साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से सब लोग सिस्टमेटिक तरीके से हम बैठे हैं यहाँ पर। हम बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें हमारी रिक्वेस्ट सुनें और इस पर कंसीडर करें कि हमने क्या चेंजेस लाए हैं, हमारे पहले सिस्टम कैसा था, हमारे बाद सिस्टम कैसा रहा है। स्टूडेंट का रिस्पांस देख सकते हो आप, पहले किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम था, उसके बाद कैसा हुआ है। वी आर वेरी डिलाइटेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स रिस्पांस, जिस तरीके से स्टूडेंट्स हमें रिस्पॉन्स करते हैं, हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हमने भी कुछ चेंज लाया है या स्टूडेंट्स को हमने थोड़ा मोटिवेट किया है फॉर देयर फ्यूचर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ। अगर हमने ये लाया है तो हमारे जाने के बाद क्या होगा, हमें क्वेश्चन मार्क ये भी है कि हमारे जाने के बाद क्या होगा, इन स्टूडेंट के साथ क्या होगा। तो अगर आप इतना कॉम्पैक्ट अपना सिस्टम अच्छे से बनाना चाहते हो, यू विल नीड अस फॉर दैट सिस्टम। सो वी जस्ट वॉन्ट दिस टू कंटिन्यू, बस यही हमारा पॉइंट है। हम यहाँ बहुत उम्मीद से बैठे हैं, we are NIT IIT qualified teachers, all faculties are from NIT IIT, we are very educated faculty, and I think ki humne is 3 saal mein bahut hi valuable things students ko diya hai, and students also wants us, wo abhi bahut zyada chah rahe hain ki hum usko
मतलब आगे मिले, क्योंकि हमने उसको इतनी अच्छी नॉलेज दी तो वो दे वांट कि हम लोग आगे कंटिन्यू करें। एंड वी ऑल्सो वांट कि हमने जो चेंजेस किए हैं इन 3 सालों में, वो जानते हैं कि हमने क्या चेंजेस किए, पहले क्या था और अब क्या परिवर्तन आया है कॉलेजों में, कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से लैब करवाई हैं, लैब डेवलप किए हैं। तो इतने एजुकेटेड होने के बाद भी आज ये स्थिति है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि इतने क्वालिफाइड होने के बाद भी हमें आज ऐसी स्थिति में रहना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं ये, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, फॉर अ फ्यूचर हमारी सुनी जाए। ऐसे जहाँ हम लोग बैठे हैं दिस इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ की हमें होना चाहिए। अभी मैं कहना चाहूँगी कि सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए ये प्लान लेकर आई थी गवर्नमेंट, और अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ 3 साल में नहीं हो पाता, ये लॉन्ग टर्म चीज़ है अगर आप एक सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो। और जैसा कि काफ़ी टाइम से हम कहने की भी कोशिश कर रहे हैं और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर जी हमें सुने, और बेस्ड ऑन अगर उन्हें लगता है, क्योंकि उन्होंने सराहा भी है हमारे काम को, इनफैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया हैव बेनिफिटेड। आप खुद कह रहे हैं कि गेट रैंक्स बहुत बड़ी हैं, फ्रॉम रूरल इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्टूडेंट्स अंडर 100 रैंक लेकर आ रहे हैं, तो वर्क अराउंड हुआ है उनका खुद का प्लान। सर जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इतना अच्छा अगर प्लान लेकर आए तो क्यों उसे आज चाहते हैं कि सिर्फ 3 ईयर्स में ही ख़त्म कर दिया जाए, क्यों ना उसे और आगे लेकर जाएँ और क्यों उसे सस्टेनेबल ना बनाएँ। गवर्नमेंट के हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास पावर है और क्वालिफिकेशन, मेहनत करना हमारे हाथ में है सर। तो हम ये चाहेंगे कि फ्यूचर आप हमारा सस्टेन करें, ताकि जो आगे आने वाला यूथ है उसे भी भरोसा हो कि क्वालिटी एजुकेशन इज़ वर्थ इट, नॉट दैट वी यू नो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी हैव टू यू नो वी हैव टू अगेन स्ट्रगल फॉर समथिंग। वंस यू हैव प्रोमिस्ड अस, वंस यू हैव मेड अस बिलीव दैट येस यू हैव अ क्वालिटी, यू कैन डिलीवर, एंड येस इफ़ द रिजल्ट डोंट स्पीक वी वुडेंट हैव गॉट आर ईयरली एक्सटेंशन टू द प्रोजेक्ट। जैसा कि आपके प्रोजेक्ट में क्लियरली मैंशन था कि हर साल आपकी क्वालिटी को चेक किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा, और उसी के बेसिस पे हर बार आपने हर साल हमें आगे बढ़ाया, 6 मंथ्स एक्सटेंशन दिया। ये कोरोना पीरियड भी है, हम ये नहीं कहते कि हम केपेबल नहीं है, या आप भी जानते हैं हम केपेबल नहीं हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हम हैं केपेबल। तो सर आज यहाँ बैठने की ज़रूरत क्यों है हमें? हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अब हमारी बात को सुने और हमें आगे बढ़ाने में मदद करें, ताकि जो इम्पैक्ट हम हमारे स्टूडेंट्स पे ला सकते हैं वो आगे जाके और इंडिया के फ्यूचर, इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी काम में आए, बिकॉज वी ऑल फॉर्म आवर नेशन, राइट? सो आई होप सर हमें सुनेंगे और जल्द से जल्द, ना कि सिर्फ शब्दों में बट कुछ डिजिटल या हैंड रिटन मीडिया मीडियम से हमारी बात को समझ के जो उन्हें बेस्ट पॉसिबल लगता है वो करेंगे, ताकि हम ऐसे हताश होकर ना रहें जो हमें आज महसूस हो रहा है यहाँ बैठकर। यही कहना चाहूँगी सर कि प्लीज़ लिसन टू अस, एंड आई होप यू बिलीव इन एन विजन वेयर इंडिया एंड इट्स यूथ बिलीव इन द गवर्नमेंट, दैट येस वी हैव चोजन द राइट पीपल टू अंडरस्टैंड अवर प्रॉब्लम्स एंड इशूज, एंड सो दैट वी कैन ऑल्सो स्टैंड विद द स्टूडेंट्स इन द इन सच सिनेरियो वेयर एवरी वन इज़ गेटिंग डीमोटिवेटेड, हाउ आर वी गोइंग टू गो अहेड विद द जॉब्स एंड स्टफ। सो आई होप दैट एट लीस्ट द गवर्नमेंट कैन हेल्प अस इन दिस एंड, सो दैट यहाँ से जाके हम भी अपने स्टूडेंट्स को कहें कि नहीं, हाँ हमारी बात सुनी गई और आगे भी हम आपके साथ बहुत सारी मेहनत करने के लिए हैं और आगे प्रोग्रेस ही करेंगे सिर्फ। मेरा नाम संजीत कुमार है, मेरा MTech NIT पटना से है, और मैं PhD कर रहा था IIT खड़गपुर से, 2015 में एडमिशन लिया था, 2018 में ये प्रोजेक्ट आई थी TechCube, जिसमें हमें लगा कि नहीं जाना चाहिए, अच्छा प्रोजेक्ट है, रूरल एरिया में सर्व करेंगे। तो वहाँ से पार्ट टाइम कराकर, वहाँ 35 स्कॉलरशिप थी हमारी, वो छोड़कर और यहाँ पे हम आए रूरल एरिया में छपरा में, LNGPIT छपरा में अभी वर्किंग हूँ, वर्किंग मतलब कल तक। उस समय बोला गया था, ऑफिशियल जो भी है यहाँ पे वो बोले कि 22 तारीख तक आ जाएगा कुछ रिटर्न में, आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। 22 तारीख तक नहीं आया, फिर 24 से फिर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और अभी तक बस आश्वासन अंदर से मिल रहा है कि हाँ आप लोग का हो गया है काम, लेकिन अभी तक कुछ रिटर्न में आया नहीं है।
वही देखते हैं कब तक आता है। मेरा नाम शम्स तबरेज है, मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का एलुमनी हूँ। मैंने भी 2018 में इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया था। 30 मार्च को हमारा अंतिम दिन है मतलब कार्यरत होने का। अब हम माननीय मंत्री जी से यही निवेदन कर रहे हैं कि हमें एक रिटर्न दे दे ताकि हम आगे भी अपने सेवाएं देते रहें। ये प्रकाश जाडवेकर जी जो उस समय के HRD मिनिस्टर जो शिक्षा मंत्रालय है वो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमारे बारे में जनवरी में हमारी ज्वाइनिंग थी और ये ट्वीट है 31 जनवरी 2018 का 6:24 पे। उन्होंने हमारे बारे में कहा कि ये स्मार्ट ग्रेजुएट लोग हैं, ये IIT NIT से हैं, इनको पिछड़े जगह हमने भेजा है। इनके बारे में इन्होंने ये भी बताया कि ये 1,00,000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे एक साल में। तो पिछले 3 साल में 3-4 लाख लोगों को इन्होंने बेनिफिट प्रोवाइड किया है और जो पिछड़े संस्थान हैं उनका क्वालिटी का उत्थान किया है। ये शिक्षा मंत्री प्रकाश जाडवेकर जी बोल रहे हैं उस समय के। तो हमारे बारे में जो भी पॉजिटिविटी है, नीति आयोग बोल रहा है, प्रकाश जाडवेकर जी बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है, लेकिन आज हमारे को देने के लिए उनके पास 5 मिनट का टाइम नहीं है। यहाँ पिछले 15-20 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा मैम आपको बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमारे से इंस्पिरेशन लेकर कि IIT NIT के लोग एक वेल परफॉर्मिंग हैं, हमारी जो तारीफें होती हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को गर्व होता है कि हम उन टीचर से पढ़ रहे हैं जो वेल परफॉर्मिंग हैं। लेकिन आज मेरा एक स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर अप्रैल में आप पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, तो मैं खुद संशय में आ जाता हूँ कि मैं क्या कहूँ उनको कि IIT NIT जाना चाहिए आपको या नहीं जाना चाहिए, क्या बोलूँ मैं उनको। मेरे पास खुद के पास शब्द नहीं होते उनको बोलने के लिए। स्टूडेंट्स हमको डायरेक्टली फीडबैक देते हैं कि सर थैंक यू कि हमें गेट के बारे में जानने के लिए मिला, जितनी भी चीज़ें हैं नई चीज़ें हमको जानने को मिली, रिसर्च CRS प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करूं। इसके अलावा प्रकाश जाडेकर जी खुद कहते थे कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना है नरेंद्र मोदी जी की, क्या वो सपना पूरा हो गया या वो सपना आगे नहीं देखना चाहते हैं। तो ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि सरकार क्यों नहीं आगे इस पर सुध ले रही। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सतत सुधार एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी ख़राब होगी, स्टेपनी लगाई, इसको सही कर दिया, स्टेपनी हटा दी, ऐसा नहीं है। वो स्टेपनी लगी रहनी पड़ेगी जब तक कि वो टायर सही हो जाए और वो गाड़ी अच्छे से चलने लग जाए। अगर अच्छे से चलने लगी तब भी वो सुधार चाहिए कि वो गाड़ी आगे भी सही चलती रहे। अगर वो आज हटा दी जाएगी तो गाड़ी एक बार चली वापस रुक जाएगी, वापस हो सकता है उससे भी बदतर स्तर पे पहुंच जाए। एक जो आशाएं बनी है, एक होप जो बनी है स्टूडेंट्स की, वो टूट जाए और वो दोबारा से सपने देखना ही छोड़ दें, ऐसा हो सकता है। तो वो स्थिति ना बने उसके लिए मैं गुहार करना चाहूँगा कि रिटेंशन के बारे में सोचे। जो पिछड़े संस्थान हैं 12 स्टेट्स के और एक यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार के, उनके बारे में सोचे, उन संस्थान पिछड़े संस्थानों के बारे में सोचे जो बिल्कुल एकदम गांव वाले इलाकों में हैं, उन संस्थानों के बारे में सोचे जहां पे फैकल्टी बिल्कुल कम है, रिसोर्सेज बिल्कुल कम हैं, उन संस्थानों के बारे में सोचे जहाँ पर इन फैकल्टीज़ के पहुँचने के बाद, इतने फैकल्टी आप देख रहे हैं इनके पहुँचने के बाद में एडमिशन्स बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। किसी भी अगर आप कोई से आयाम में देखेंगे, कोई से डायमेंशन में देखेंगे, कुछ अपलिफ्टमेंट ही हुआ है, कहीं किसी चीज़ में नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। 95% फैकल्टीज़ का फीडबैक आउटस्टैंडिंग की तरफ है, बेस्ट की तरफ है, गुड की तरफ है, एटलीस्ट दे आर वर्किंग वेल। और उन्होंने खुद ने कहा, ये हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, PIP ने एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है उसमें पेज नंबर 10 पे 2.6 पॉइंट में बात की गई है सस्टेनेबिलिटी प्लान। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि कोई भी आपने प्लान लाए तो वो प्लान सस्टेन करना चाहिए, उसका जो फ़ायदा मिला है वो आगे मिलते रहना चाहिए। तो उसमें साफ साफ कहा गया कि इन फैकल्टीज़ को पोस्ट प्रोजेक्ट रिटेन किया जाएगा जिससे कि ये जो अचीवमेंट्स हैं ये ख़राब नहीं जाएँ, व्यर्थ नहीं जाएँ। इसके अलावा पेज नंबर 95 PIP डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 95 में भी ये बात कही गई है कि इन फैकल्टीज़ को रखा जाएगा। इसके अलावा MOU में साफ साफ कहा गया है कि अगर इन फैकल्टीज़ को आगे नहीं रखा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वर्स्ट रहेगा, इस प्रोजेक्ट का फेलियर होगा और सरकार को प्रोजेक्ट का फेलियर नहीं सोचना चाहिए, उसके लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। हो सकता है सकारात्मक कदम उठा रहे होंगे सरकार, लेकिन वो आश्वासन हमें दिखने चाहिए, हमें लिखित में आने चाहिए कि आखिरी दिन आखिरी मिनट पे थोड़ी ना करेंगे। हमारी भी एक टेंडेंसी होती है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की भी एक टेंडेंसी होती है कि एंड मोमेंट पे काम करते हैं, तो एंड मोमेंट भी अब तो आ चुका है, शायद 24 घंटे भी नहीं बचे हैं हमारे पास। कल शाम को 9 से 4 वर्किंग होता है, 4 बजे लास्ट वर्किंग होगा। हमें कॉलेज से भी इंटीमेशन मिल रहा है कि आप अपना नोटिस लीजिए, अपना बस्ता पैक कीजिए, घर जाइए, टाटा बाय बाय।
रहा है, ये चीज़ संदेश आ रहा है, हमको बार बार मैसेज आ रहा है, मेल आ रहा है, बार बार नोटिस निकल रहे हैं हमारे लिए। तो मैम इस असमंजस में हम सोच नहीं पा रहे क्या करें। आश्वासन अगर मिल रहा है हमको कि आगे बढ़ाया जाएगा, यहाँ पे उड़ीसा की फैकल्टी राजस्थान में काम कर रही है, राजस्थान की फैकल्टी असम में काम कर रही है, 369 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं जो 12 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, 26 स्टेट्स के लोग हैं जो 12 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के लोग राजस्थान में काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाके काम कर रहे हैं। महिलाएँ भी हैं, उनके परिवार हैं, बच्चे हैं, उनके बावजूद उनको जाना भी है घर, उनको पैकिंग भी करनी है, अपने रूम्स भी वैकेंट करने हैं। तो हमें कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत बड़ा असमंजस्य बना हुआ हमारे दिमाग में इस चीज़ के लिए। तो हम आह्वान करेंगे कि आचार्य देवो भव, तो सर आचार्य हम भी हैं, प्लीज़ 5 मिनट दीजिए हमें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 5 मिनट दीजिए हमें, 5 मिनट दीजिए। आप जहाँ कहेंगे जैसे कहेंगे हम मिलने के तैयार हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे कहेंगे वैसे तैयार हैं, सिर्फ आपसे मिलना है, 5 मिनट दीजिए। तो सुना आपने शिक्षकों की व्यथा, ये हर फील्ड में काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाना हो या फिर तमाम चीज़ें हो, लेकिन इन्हें जगह नहीं दी जा रही। इनका कहना है कि ये शिक्षा मंत्री यानी कि रमेश पोखरियाल से बात करना चाहते हैं, लेकिन रमेश पोखरियाल इन्हें समय नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है कि वो लगातार ये तो कहते रहते हैं कि शिक्षक सर्वोपरि है, गुरु सर्वोपरि है, लेकिन ये गुरु को समय नहीं दे पा रहे हैं। इनका ये कहना है कि 31 मार्च यानी कि टिल एंड डेट तक ये लगातार यहाँ बने रहेंगे, इन्हें रोजगार पर वापस रखा जाता है, इन्हें रखा जाता है, ये दूसरी बात है, लेकिन ये लगातार अपनी पढ़ाई, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कंटिन्यू रखेंगे। कैमरा पर्सन सरताज के साथ मैं काजोल नारायण, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।